हैं यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए उनका कोई ठिकाना। श्री बिंदु जी कहते कृपा की ना होती जो आदत, होती वादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दीर्घ बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो नारद जी प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन हो, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान श्री प्रयोजन से आए हो। नारद जी हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोले, भगवान अभी हम मृत्यु लोक से आए हैं। मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक कौन है? जहां हम लोग रहते हैं इसी लोक का नाम मृत्यु लोक है, जहां सबको मरना है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शय। पुनः जब जिसका जन्म होगा वो मरेगा। जय नासा जो नासे सो पुनर्गास। तो मृत्यु लोक कौन है? जिस लोक में हम लोग रहते हैं इसी लोक का नाम है। क्या नाम है? मृत्यु लोक मतलब जो जन्म लिया वो मरेगा। यहां सब कुछ नाशवान है। संसार का मतलब ही है जो नित्य सरक रहा हो, यही संसार है। इसमें नित्य सब कुछ खिसक ही रहा है। लोधीरा वक्ताकारी। तो उदाहरण के रूप में बताएं, संसार खिसक रहा, यही बगल में जोशी मठ में पूरी जमीन ही खिसक रही। संसार खिसक रहा है, नित्य चल रहा है, इसी का नाम संसार है। तो नारद जी से पूछा, कहाँ से आए हो? मृत्यु लोक से आए हैं। क्या करने गए थे? महाराज, नाना प्रकार के मनुष्यों को पीड़ा से दुखी देख करके हमारा मन बड़ा दुखी हो गया है। मृत्यु लोके जनः सर्वे नाना पाप कर्म भी। महाराज, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। भगवान बोले, हम क्या करें? अगर वो दुखी हो रहे जो कर